बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में शानदार सफर जारी है। लगातार 8 जीत के बाद अब बारी है 9वीं जीत का, और 9वीं जीत मिलेगी कहां? ये मिलेगी हमें बेंगलुरु में नीदरलैंड के खिलाफ, क्योंकि अगला मुकाबला हमारा बेंगलुरु में नीदरलैंड टीम के साथ है। टीम इंडिया कोलकाता से आज तकरीबन 1:15 बजे रवाना हो चुकी है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जहां पर भारतीय टीम कोलकाता से बेंगलुरु के लिए रवाना हो रही है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और टीम के बाकी खिलाड़ी भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सरप्राइज यहां पर है कि आपने विजुअल में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। तो यानी कि आपके अंदर सवाल होगा कि विराट कोहली यहां पर नहीं है तो फिर गए क्या? तो आपको घबराने की बात नहीं है, हम आपको बताएंगे कि विराट कोहली कहां पर गए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं इस खबर पर। इस वर्ल्ड कप में हमारा जो अगला मुकाबला है 12 तारीख को, जिस दिन दिवाली भी है उस दिन होगा हमारा मुकाबला नीदरलैंड के साथ। लगातार 8 जीत और टीम इंडिया चाहेगी कि हमारी 9वीं जीत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहे, और ऐसे में भारतीय टीम पहुंच रही है। अगर बात करें तो फिर बेंगलुरु, जहां पर छोटा ग्राउंड है, रन ज्यादा बनते हैं, ऐसे में विराट कोहली को लेकर आते हैं। विराट कोहली दरअसल आज ही कोलकाता से सुबह 7 और 8 बजे के आसपास वो वहां पर रवाना हो गए बेंगलुरु के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा वहां ऑलरेडी पहुंच गई हैं। तो विराट कोहली टीम के साथ ना जाकर बल्कि वो खुद थोड़ा पहले ही वहां पर चले गए, बाकी टीम तकरीबन 1:15 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। और इस वर्ल्ड कप में हमने कई मौकों पर देखा जब विराट कोहली टीम के साथ ना होकर बल्कि अलग अलग इस तरीके से आपको अगर आप देखें कहीं ना कहीं ट्रेवल करते नजर आए, चाहे वो मुंबई वाले मुकाबले हमने देखा, उसके बाद चाहे लखनऊ में देखा होगा कि वो थोड़े से जल्दी में निकल गए, और उनको अगर आप चाहे देखा होगा कि शायद जो विजुअल हमने ही दिखाया था, अगर आप बात कर लीजिए मुंबई वाले में भी कि वहां पर भी वो अपनी गाड़ी से निकल गए थे, यानी कि टीम से पहले ही। तो ये तस्वीर यहां पर भी सामने आई है कि विराट कोहली कोलकाता से बेंगलुरु थोड़ा पहले ही रवाना हो चुके हैं, और वहां पर अगर बात कर ली जाए भारतीय टीम थोड़ा लेट में रवाना हो गई, जो तकरीबन 4 बजे के आसपास बेंगलुरु 4:15 के आसपास पहुंचेंगे। तो ये है पूरी अपडेट कि आखिर विराट कोहली कहीं घबराने वाली बात नहीं, वो भी गए हैं लेकिन थोड़ा पहले पहुंच गए हैं। बाकी 12 तारीख को दिवाली और 12 तारीख को लोगों को वेट भी है, क्योंकि देखिए विराट कोहली 49th सेंचुरी तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें इंतजार है 50वें शतक का। और ये सभी को लग रहा है कि नीदरलैंड के खिलाफ बेंगलुरु, यानी कि विराट कोहली का एक होम टाउन है वो, जिस तरीके से वहां पर सपोर्ट मिलता है टीम इंडिया को, आरसीबी के जो फैंस है, ऐसे में मजा आने वाला है कि किस तरीके के मुकाबला होगा वहां पर। अगर वो 50वां शतक लगाते हैं तो वो अपने आप में एक और स्पेशल शतक हो जाएगा। देखते हैं कि क्या विराट कोहली वहां पर शतक जड़ पाएंगे या नहीं। कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।